नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार ए2जेड। नदी गांव थाने का दिल फेंक सिपाही, शादी का झांसा देकर युवती के साथ किया यौन शोषण, आबरू कुचलने का लगाया युवती ने सिपाही पर गंभीर आरोप। पीड़ित ने एसपी से शिकायत करते हुए लगाई न्याय की गुहार। आपकी सेवा में सदैव तत्पर, ये स्लोगन उत्तर प्रदेश पुलिस का है, लेकिन उसकी सेवा लोगों की जान और महिलाओं की आबरू बचाने के लिए भारी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस के कारनामों ने एक बार फिर से खाकी को तार तार कर दिया। दरअसल मामला जनपद जालौन का है, जहां कालपी के एक मोहल्ला की रहने वाली युवती ने थाना नदी गांव में चालक के पद पर तैनात राजपाल भदौरिया पर आरोप लगाया है कि 26 जनवरी के दिन पुलिस लाइन में उसकी मुलाकात सिपाही राजपाल भदौरिया से हुई थी, जिसके बाद उसने फोन पर चैटिंग शुरू कर दी और फिर मेरे घर आना जाना शुरू कर दिया। आरोप है कि सिपाही शादी का झांसा देकर शारीरिक उत्पीड़न करता रहा और जब उसने शादी का दबाव बनाया तो पता चला कि वह पहले से ही शादीशुदा है, जिसके बाद उसने मामले की शिकायत की तो आरोपी सिपाही ने उस पर दबाव डालते हुए समझौता कर लिया, जिसके बाद आरोपी सिपाही लगातार उसे प्रताड़ित करता रहा। फिलहाल राजपाल भदौरिया उत्तर प्रदेश पुलिस के कर्मठ सिपाही हैं। जब तक शांत दिखते हैं इंसान ही मानिए, अगर इनके अंदर का शैतान जाग जाए तो इसी खाकी को खूंटी पर टांग देते हैं, कानून को मिसल कर रख देते हैं। जालौन जनपद के नदीगांव थाना में चालक के पद पर तैनात है ये राजपाल भदौरिया। वैसे इनके कर्म भी ऐसे हैं जिसको सुनकर आप भी इनको बड़ी भूल ही करार देंगे। दरअसल 23 जून को करीब दोपहर 12:30 पर पहुंचे इस युवती के घर, युवती ने आरोप लगाया है कि इस सिपाही ने मेरे साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया है, लूट ली है उसकी अस्मत खाकी के जोर पर। वैसे अभी तक ना मिला ये होनहार सिपाही जिसने खाकी के माथे पर कलंक लगाने का काम किया है। फिलहाल ये आरोप सच है या नहीं इसकी पुष्टि हम नहीं करते, खैर ये जाँच विषय का है। पीड़िता ने एसपी को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। समाचार ए2जेड के लिए जालौन से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। शिकायत करने आए हो यहाँ क्या? जी हाँ, हम कालपी के रहने वाले हैं, लौकी का छात्र हैं और यहाँ हम और में अध्ययनत कर रहे हैं, कम रूप किराए का रूम लेके। उसके बाद 26 जनवरी के दिन हमारी पुलिस लाइन पे एक कांस्टेबल चालक के पद पर था राजपाल सिंह भदौरिया, उससे हमारी मुलाकात हुई। उसने मेरा मोबाइल नंबर वगैरह लिया और बाई चांस मेरे फ़ोन पे पहले मैसेज वगैरह और फ़ोन वगैरह करता रहता था, तो हमने उसको कई बार ब्लॉक भी किया। एक बार की 26 फरवरी का दिन था, उस दिन मेरे फ़ोन पे मैसेज आया हैप्पी शिवरात्रि करके, तो मैंने उसका रिप्लाई दे दिया रॉन्ग नंबर जान के, पता नहीं कौन परिचय का है। उसके बाद धीरे धीरे इससे मेरी बातचीत शुरू हुई। बातचीत शुरू होने के बाद इसने ये नहीं बताया, इसने मुझे झूठी शादी का झांसा दिया और शादी की भी शायद साथ में मांग में सिंदूर लगाया मेरे। उसके बाद जब ये मैंने इससे कुछ कहा, जब इस बात का मेरे घर वालों को पता चला तो घर पे विवाद भी हुआ। विवाद हुए तो उससे घर वाले नाराज हो गए। घर वाले नाराज होने के बाद हम मतलब अपने रूम पे आ गए। इससे हमने अपनी बात कही कि तुम्हारी वजह से ऐसे, तो इसने मुझसे झूठा समझौता किया कि तुम्हारा हम पूरा ख्याल रखेंगे और घर में कुछ ना बताना। मैंने इसकी बातों पे आ कि मैंने अभी घर पे नहीं बताया कुछ, और जब ये इसने नहीं बताया तो मैंने एस पी सर से और कोतवाली में और कई जगह शिकायतें की, तो उसके बाद इसने मुझसे समझौता कर लिया। जब समझौता किया तो उसके बाद ये कल के दिन मेरे रूम पे फिर आए, अचानक से आया तो मेरे साथ जबरदस्ती की और उसके बाद मेरा मोबाइल वगैरह छीन के फिर से फरार है। और इस समय जी हाँ, अभी एस पी सर से शिकायत करके आए, पिछली बार भी किया था तो उसमें ये समझौता वगैरह करा गया था। क्या मांगे बाबू? मांग क्या, हमें तो न्याय चाहिए। मांग क्या है भाई, शादीशुदा है भाई, शादी अगर उसने की है तो शादी क्या कर सकता है? तो बदतमीजी करी है जी हाँ, बदतमीजी होगी जबरदस्ती करना, कल के दिन रूम पे आना मेरे मोबाइल से मोबाइल छीन के सब कुछ ले, बदतमीजी ही हो गई ना, एक हिसाब से बदतमीजी सरासर है। मौका जनपद में तैनात एक पुलिस कर्मी पर एक महिला द्वारा बलात्कार का आरोप लगाया गया है, क्या है पूरा मामला और क्या विधिक कार्रवाई है? हाँ, ये आज बात संज्ञान में आई है और इस पर बात जांच विधिक कार्रवाई की जाएगी।